देते हैं तब उनको इनके द्वारा आपका नाम या नोट करवा दिया कल सरकार का आप काम कर रहे हैं, सरकार के काम सरकार के नियमावली के अनुसार करोगे ना, फिर आपके आज सरकार के नियमावली में सर बता रहे हैं, नहीं आपको गलत बता रहे हैं, आपको शाम को बोलना चाहिए। अच्छा कौन समाज दुश्मनी है, अंदर बताएंगे। हाँ दुश्मनी है आपकी, हटो पीछे हटो। ये तो हुआ आके लगाने वाली, और जो लोग मेल से या उससे करते हैं ऑनलाइन वाला, उसको कैसे कराते हैं? ऑनलाइन में कहते हैं यहाँ सुविधा नहीं है ऑनलाइन वाली, क्योंकि नई जेल है अभी, वो नहीं हुआ ये। इसके लिए सरकार दोषी है, हम लोग दोषी। मैं तो वहाँ से भी, मैं तो 20 जेलों में जाता हूँ, वहाँ से ऑनलाइन वो कर देते हैं, वहाँ से परमिशन हो जाती है, अप्रूवल आपके यहाँ है नहीं, हम तो प्रयास कर रहे थे, तो आप बताओ। हमारे यहाँ है नहीं, अप्रूवल वाला नहीं, मतलब हम क्या करें? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन लागू नहीं हुई, क्योंकि जेल 1 साल की है ना, अभी 1 साल की जेल है, ऑनलाइन नहीं हुई। 1 साल की तो जेल है, मगर अब आप कोई अपने परिजनों से मिलने आएगा तो क्या करें? क्या आप इसलिए तो नहीं जाने दे रहे मुझे कि भाई इसलिए रोक रहे हैं कि उन लोगों को चोट ज्यादा लगी है, आप लोग नहीं चाहते मैं उनको देख लूं? मना करेंगे हम, कौन होते हैं? गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो बनाती है नियम, उसी का पालन करना है हम लोगों को। हम लोग नहीं कुछ रोक सकते उनके। लाइए कहाँ नियमावली दिखाइए कि व्यक्तिगत आके अपने आप आके वो लगाता एप्लीकेशन। लाइए दिखाइए, आपके यहाँ नियमावली होगी ना, दिखाई दीजिए। लाइए ऑनलाइन दिखा दीजिए, वकील हैं हम, क्या आपको क्या लग रहा है? कुछ भी कह के बेवकूफ़ बना देंगे, उनके चले जाएंगे क्या? फिर बताइए ना, लाइए कहाँ दिखाई, किसके पास नियमावली होगी ना? लाइए दिखाइए, दिखाइए ना सर। भाई नहीं ना कुछ, जैसे हम जानते हैं ना, घूमेंगे आप जेल में ना, आप मंगाइए ना, कहाँ जेल मैनुअल मंगाइए ना, कहाँ दिखाई ला, मुझे दिखाइए, आप दिखा दीजिए ना भाई। आप यहाँ के गार्जियन हैं जेल के, आप दिखाइए कि मैं ना इस नियम के अनुसार काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मिलने नहीं दूंगा, बकायदा आपको कोविड की वो भी दी है, आधार कार्ड भी दिया। अब अगर सरकार के दबाव में या पुलिस के दबाव में या प्रशासन के दबाव में या पीड़ितों के न्याय की मांग ना उठे इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप जो है मानवता के भी खिलाफ और इस पोस्ट के भी खिलाफ जिस पर आप बैठे हैं। किस नियम से रोक रहे हैं वो नियम दिखाइए, मेरी एप्लीकेशन भी लिख दीजिए कि भाई मैं इस नियम का विरोध उल्लंघन कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मिलूंगा। मिश्र जी बताइए, लिख कर दीजिए और फिर देखें, मैं आपको कोर्ट लेके चलूंगा, आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। लिख के दीजिए मुझे, लाइए देखिए, मैं बताता हूँ, वकील हैं, मैनुअल मंगाइए, लाइए दिखाइए। आप देखो ना, तो मैनुअल दिखा दीजिए आपको, जो आपका जिसे आप ये कर रहे हैं, जो आपने एप्लीकेशन दिया आप उसको रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट का कारण लिख दो ना, किस कारण रिजेक्ट किया, फिर आप देखिए, कानून सबके लिए है, पुलिस हो या कोई भी, फिर आप आइए बेटा, तुम लोग पीछे हो जाओ, मैं इनको ठीक करूंगा, जेलर साहब को बताऊंगा कैसे चलती है जेल, मैं तो रह के आऊँ तिहाड़ तक, मुझे नहीं पता जेल में कितना करप्शन है और नशा वसा सब जो आराम से जाता है ना, आम आदमी परेशान है, मुलाकात के नाम पर पैसे लेते हैं, मैं इनकी वो करवाऊंगा नौकरी इनसे। देखो इससे बचना, इधर आ हमारी बात के मिलना कहाँ होगी, मुलाकात की अपनी मिशन देखिए, और नहीं आप बताइए उसको, वो हमें वो कराइए, वो पॉइंट जो है ना उसको वो कराइए नोटिस, नहीं जो नोट जो पॉइंट हमें रोक रहा हो। हाँ बस जैसे इनका ये कहना, ये पॉइंट ये रुक रहा है, ये चूंकि सेंसिटिव बंदी था, बंदी जब ये जेल में आया तो ये सूची देगा उन व्यक्तियों के जो उनसे मिल सकते हैं, वो सूची उसने प्रोवाइड नहीं कराया, निखिल शांत रहो, इस आधार पर आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। किस आधार पे? परिवार और रिश्तेदारों तक ही सीमित होकर लिखा हुआ है। मैं पिछले कुछ परिवार रिश्तेदार सामाजिक रूप से परिवार कैसे तय करेंगे, किसी के यहाँ दुख होता है, इसको एक मिनट रखिए ना, रखिए रखिए, अभी तो आपने पढ़ा, मैंने देखा कहाँ है,
ये किन कंडीशनों में है? ये मैनुअल जो है ना, जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं, जिस हिस्से को आप पढ़ा रहे हैं, आप मुझे बताइए कि राजनीतिक लोग मुलाकात आके करते हैं, कितने परिवार के लोगों से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद परिवार की जो सूची आपके पास उन्होंने दी है वो दीजिए 9 दिन में, उसके बगैर आपने मुलाकात कैसे कराई ये बताइए। उन्होंने सूची दी होगी ना 10 लोगों की, वो सूची जारी कीजिए। नहीं नहीं, सूची दी ही नहीं तो बताओ फिर आपसे पहले उनकी मुलाकात किस बेस पे हुई है? परिवार तक ही सीमित रहेगी, लिखा है ना कि अगर नहीं देता है तो परिवार तक ही सीमित रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ परिवार के ही लोगों को मिल रहे हैं, परिवार के कल जब उनके पास एप्लीकेशन की, पार्टी के लोग मिले हैं, सूची नहीं दी गई। कल जब उन्होंने आपके एप्लीकेशन की तो आपने उनसे वेरीफाई कराया? नहीं, आज 11 बजे तो आपने वेरीफाई कराया कि आपके परिवार के लोग हैं? अभी 11 बजे देगा तो कैसे वेरीफाई होगा? 9 बजे आ गई थी। नहीं भाई, 11 बजे कहाँ से देते हैं? 11 बजे देके कहाँ कराते हैं? हम 8:30 बजे शुरू कराते हैं। हम लगा 11 बजे पर्ची दो, पर्ची तो 8:30 बजे लेते हैं। और फिर अरे भाई आप लोग अपील लोग तय कर लो, फिर हम बता रहे हैं कि 11 बजे जेल में जो लोग बंद है ना उनसे परमिशन की होती है कि भाई आप इनसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपने उनसे दी हो तो बताओ मुझे। ले लीजिए, कोई भी मिल सकता है किसी से? जी जी, आप सर कोई विशेष वो नहीं है ना, और सेंसिटिव बंदी नहीं है वो हमारी माए बहने हैं। सुनिए, ये इस आधार पे कैंसिल कर दी गई, इस आधार लिख के दीजिए ना मुझे, मेरी एप्लीकेशन पे लिख के दीजिए। जलते नहीं, नहीं कहते हो आप जिला प्रशासन से? हो हाँ, तो इस उस पे लिख के दो ना कि आप ये आधार है, ये आधार ही नहीं है ना, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे हम झूठ, हमें कौन? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं आप, उठाइए मुझे मैनुअल, लाइए दीजिए पांडे जी, लाइए कहाँ मैनुअल दिखाइए, जाओ उसमें। आप बात कर लो, परिवारजन कैसे तय करते हैं? ब्लड रिलेशन से? हाँ हाँ, तो मैं ब्लड रिलेशन साबित करूंगा, आप खुला मुझे दिखाओ। अब आप जो है आप बात कर लो, है नहीं ना आप पे कुछ भी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिम्मेदार अधिकारी कैसी बात कर रहा है हमसे और सब लोगों के सामने? शर्म की बात कौन सी आ गई? क्यों नहीं है? हमने आप कानून का बताइए दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है, कहाँ लाइए दिखाई, छिपा के लाइए दिखाई ना, मैनुअल दिखाई, वो पढ़वाइए लाइन एक बार मुझे। ऊपर अधिकारी बहुत है, लाइए वो लाइए ना एक बार दिखाई, पार्ट खोलिए लाइए मेरा वो नोटिस कराइए। ना ये तुम बहुत वीडियो के पीछे पड़े, क्यों पड़े रहते हो वीडियो? प्रत्येक संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले बंदी के जेल में प्रवेश पर उससे उन व्यक्तियों की सूची देने के लिए कहा जाएगा जिनके द्वारा उससे मुलाकात किए जाने की संभावना से मुलाकात दोस्तों तक सीमित होगी। देख रहे हैं आप? तो ना आपने सूची मांगी, और फिर मैं आपको बता दूं, एक मिनट, संवेदनशील बंदी उनको कहते हैं जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड होता है, इनमें से किसी का भी पहला कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, कैसे मूर्ख मान रहे हैं क्या सर? कुछ भी कह देंगे मान लेंगे, आप कहिए ना नहीं कराएंगे सरकार के दबाव में, ये कहिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। और दोस्तों में कौन नहीं आता? दोस्तों में तो पाकिस्तान तक के लोग आ जाएंगे, आप हमसे कह रहे हैं मुलाकात नहीं करनी। मैं आपको सर मेरी एक बात याद रखिए, आप जनता के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सा? ठीक है, सरकार के सारे पे काम करना बंद कीजिए, आप जो है ना अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हो, ये गलत। मैं तो आप मुझसे एक बार कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर है आप चले जाओ, मैं आपको परेशान क्यों करता? लेकिन आप याद रखिए सरकारें बदलती हैं, इस अन्याय का जवाब फिर देना पड़ेगा आपको। यहीं का नौकरी करेंगे आप, और मेरा तो ऐसा अनुभव सरकार डिपार्टमेंट में आदमी रिटायर हो जाता तो भी फिर हिचके आता है। आप मुझे मेरी एप्लीकेशन पर एक लाइन में लिख के दीजिए कि इस आदेश के कारण नहीं कर रहा हूँ, परमिशन दी आपने, आप लिख के दे दीजिए, मैं चला जा रहा हूँ, मुझे कोई आदेश लिख दीजिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बता दो मुझे। नहीं नहीं, आपने मेरी एप्लीकेशन को इस आधार पे किया तो लिख के तो दोगे मुझे, किस वजह से कर रहे हो आप? लेकिन तक आपको पता है कि आप पकड़े जाओगे, गलत है। हम नहीं पकड़े जाएंगे, और बाकी आप माफ करो। मैं आपको कहेंगे माफ करो भाई, आप मालिक हैं? नहीं हम मालिक, आप लिख दो ना मेरी एप्लीकेशन पे, लिख के तो देना पड़ेगा ना, या फिर मैं यहीं बैठूं, आप मुझे बताओ तय करो अपने ऑर्डर के लिए। नहीं नहीं, आप मुझे लिख के दोगे, आप वो कर रहे हो, आप लिख के दोगे, आपकी जिम्मेदारी जेल साहब, ऐसा मत करो। आप लिख के दो सर कि भाई मैं इस नियम के अनुसार आपकी मुलाकात कैंसिल करता हूँ, बस एक लाइन लिख दो, जब वो नियम है ना सर। आप डीएम साहब बात कर रहे हो? अरे मैं क्यों, मैं तो आपसे, अच्छा मैं डीएम साहब से परमिशन लेके आया थोड़ा यहाँ, मैं तो आपसे परमिशन लेने, मैंने देखिए दो तीन चीज सर, मेरी परमिशन आपके पास है, डीएम साहब के पास है। अगर कोई डीएम साहब इस जेल के वो हैं गार्जियन या आप हैं, बताइए? गार्जियन तो पूरा पहले आप हैं, डीएम साहब भी सीधे नहीं आएंगे आपको वो करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक बात जानिए, नहीं नहीं मेरी परमिशन में लिख के सर खत्म कीजिए ना, जवाब हम दे देंगे सर, मुझे तो देना, मैं आज आपसे, मैंने आपको एप्लीकेशन किया सर, मुझे जवाब देना आपको। नहीं नहीं, हमें हम जवाब दे देंगे। किसे देंगे सर? मैं खड़ा हूं आपके सामने, लिखित में दीजिए ना, मैनुअल लाया नहीं लाया आप? आप लिखित में मांग लो, लिखित में दिया सर मैंने परमिशन, परमिशन कैंसिल कर दो ना मेरी, कैंसिल हो गई ना, हो गई कैसे? दो ना उसका कुछ कैंसिल का वही मांग रहा हूँ सर, नहीं दी जाती भाई। अरे मैंने पर्ची दी है सर, मेरा आधार कार्ड लगा हुआ है, आप आधार कार्ड का मिसयूज कर लो, आप लिख के दो मुझे,
मेरी कोविड की रिपोर्ट लिखी हुई, आप कुछ भी लिख दोगे उस पर, मुझे आप लिख के दो। मेरे आधार कार्ड को आपने कहीं और लगा दिया, ये आदमी जो है यहाँ पाया गया। लिख के देने का कोई प्रावधान नहीं है? कैसे नहीं है सर, लिख के नहीं तो लेते हैं आप एप्लीकेशन, लिख के लेते हैं, आधार कार्ड लगवाते हैं सर। हम नहीं लगवाते हैं, गवर्नमेंट लगवाती है। हाँ तो गवर्नमेंट ही तो, आप अभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं आप। हाँ तो जितना पावर है हमने कहा। कहिए ना कि आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे सरकार के सामने। नहीं सरकार के सामने तो फिर लिख के दीजिए ना सर। चेहरा लाल हो गया आपका। अरे धूप लग रही है सर, हमारे चेहरे में आपने देख रहे हैं, हम 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आए, मजाक कर रहे हैं। 1500 किलोमीटर का सफर तय करके आए सर, पैसे खर्च करके हम, आप अपने ऑफिस से खड़े होकर इस तरह से कानून को बर्बाद करेंगे सर। फिर मैं भी आप जो मैं भी वादा करके मैं भी रखूँ, आप ये चाहते हैं इनसे लिखवा के दो मुझे ऑर्डर, आपकी जिम्मेदारी है, मैं यहीं बैठूंगा सड़क पे, आप मुझे फांसी चढ़ा दो, भेज दो जेल में, मैं तैयार मुकदमा लिख के। ये ठीक नहीं है, आप लोग सब लोग ये गलत कर रहे हैं, तो लिख के दे दो इस रूल के आधार पर। आपको दिखवा दिया, मैंने एप्लीकेशन रिजेक्ट तो करोगे ना, आधार दोगे ना, तो वही मांग रहा हूँ। आप ऐसा इस तरह केसेस अगर आते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे किसी को अपडेट कर दो नहीं मिलवाते तो क्या करते हो? भगा देते हैं? नहीं भगा नहीं, भगा देते हैं तो वो एप्लीकेशन पे तो करोगे ना, आधार पे लड़ो को हमें खिलाफ लड़ो ना, भगा देते हैं। सुनो यार, एक लाइन में लिख के दे दीजिए, नहीं प्रावधान नहीं जाएंगे आपके खिलाफ कोर्ट, देवता नहीं, संतुष्ट तो कीजिए आप, जाओ खूब जाओ आप, नेता लिख के दो, तभी तो कहाँ नेता है आप, अगर नेता होते तो आप हमें लेके नहीं जाते अंदर, हम क्यों ले जाएंगे, हमें क्या होता है सर, आप आते हैं लेने के लिए, हम नहीं जानते गेट बड़े वाला खुलता है, हम जैसे लोग तो नीचे से चले जाते हैं, नेताओं के लिए बड़े वाला खुलता है, हम नहीं जानते यहाँ के माफियाओं के लिए कैसे खुलता हो गेट। छोड़ो सर, उसको लिख के दे दो एक लाइन, हमें संतुष्ट नहीं, लिखने का प्रावधान नहीं है भाई, मैनुअल में ये भी तो लिखा होगा, लिखने का प्रावधान नहीं दिखाऊंगा, नहीं है आप बात मानो, आप विश्वास नहीं करोगे आप, फिर आप ऐसे चला रहे हो, ऐसे कर रहे हो काम, फिर पढ़ लीजिएगा आप, कहाँ नियम है, आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उन महिलाओं को फ्रैक्चर है, नहीं कुछ नहीं है, कैसे एक महिला की उंगली यहाँ से फटी यहाँ तक, हम जिस दिन वो अलग है, सर मैं तो जेल में रहा हूँ ना, आदमी यहाँ मर जाता है, आप कैनूला लगा के डॉक्टर से भिजवा देते हो और कहते हो रास्ते मरा, आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, आप मुझे विरोध में करवा रहे हो कि मैं आपके पीछे पड़ जाऊं, अपमान को वो करके, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं आपके पीछे पड़ गया तो सर मैं आपको देख लेना, हम तुम पीछे पड़े आप पढ़ेंगे, आप पढ़ा रहे ना, आप पढ़ा नहीं रहे हो, लिख के भी नहीं दे रहे हो, नहीं नहीं होता, आप मुझसे कहते चंद्रशेखर चले जाओ मेरे ऊपर दबाओ, मैं चला जाता, जाओ ठीक है। जब सत्ता दमन में उतर जाए तो फिर कानून की धज्जियां उड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं और माफियाओं के चौकटों पर दम तोड़ चुकी। मैंने सब कुछ संवैधानिक रूप से कानून के अनुसार किया, मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, अपना आधार कार्ड लगाया, अपनी कोविड की रिपोर्ट पेश की, उन्होंने मुझे परमिशन दी, लेकिन जैसे उनको एहसास हुआ कि चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी वाले आजाद समाज पार्टी वाले हैं और प्रशासन ने और सरकार के लोगों ने उनको इस बात के लिए आदेशित किया कि किसी भी कीमत पर उनको मिलने नहीं देना, इसके पीछे एक कारण है जो मैं समझता हूँ, जबरन उन महिलाओं पर 4-4 मुकदमे लगाए गए, क्योंकि एक मुकदमा अगर लगा होता तो वो बाहर आ जाती, उनको फ्रैक्चर है, पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, और अगर कोई भी अपराध करता चाहे पुलिस हो या आम आदमी, सबके लिए कानून है, उन सभी पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, मैं उनकी पीड़ा सुनता और आके आप लोगों को बताता और पूरी देश और दुनिया के सामने रखता किस तरह का अन्याय जो है अम्बेडकर नगर में हुआ, उसको छिपाने के लिए शासन प्रशासन ने मिलके नियम अनुसार जो कार्य मेरी मुलाकात का था उसको उसमें बाधा उत्पन्न की और मुझे रोक दी, और उनके पास जवाब भी नहीं है, मैंने उनसे जवाब मांगा कि आप जवाब दे दो तो वो जवाब देते नहीं बन रहा है, तो इससे पता लगता है कि अपनी पावर का दुरुपयोग करके सरकार जो है कमजोर लोगों के हितों को और उनके अधिकारों का हनन कर रही है, और इसी के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ी। मैं अम्बेडकर नगर इसलिए आया क्योंकि जो अन्याय हुआ आप सब लोगों ने देखा, पूरे देश में इसकी निंदा हुई, जिस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट हुई, अभी मैं उन परिवारों से मिलूंगा, उस जगह का भी मुआयना करूंगा और फिर यहाँ के सीनियर अधिकारियों से बात करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये सब चीज़ें की माफियाओं के दबाव में उन पर क्या कार्रवाई की। इस अन्याय के खिलाफ चुप्पी का मतलब यह है कि हम गुलामी दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, आज़ाद हैं, हम गुलामी और दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे, और अन्याय करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन से मांग करेंगे, पुलिस से मांग करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन भविष्य में किसी बहन बेटी का अपमान ना हो उस अपमान को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, उन परिवारों की जो भी मदद हमसे हो सकती है वो हम करेंगे, हमारी लीगल की टीम लगी हुई है, लेकिन जबरन
आम गृहणियों को, आम महिलाओं को अपराधी बना दिएगा चार चार मुकदमे लगा के। इस षड्यंत्र को भी हमेशा पूरे भारत के आगे बेनकाब करना होगा। पूरी जानकारी के बाद आज मैं अपने ट्विटर हैंडल से आप लोगों के जरिए पूरे देश को बताऊंगा कि किस तरह का अन्याय का सामना है कमजोर वर्ग के लोग, स्पेशली महिला जिनको देवी कह के पूजा जाता है, उनको किस तरह पीटा गया है अम्बेडकर नगर में, उनके हाथ तोड़ देंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे। इस अन्याय का जवाब यहाँ की सरकार प्रशासन को देना पड़ेगा। ठीक।